अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम CSS PMS लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 102 102वां लेक्चर, और आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जो बुक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनका एक रिव्यू, उनका एक समरी वो आपकी आपके सामने पेश करें। ये CSS PMS के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी है और जनरल रीडर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि बुक रीडिंग जो है ये इन एग्जामिनेशंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये एक नई हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर जो मैं बुक स्टडी करता हूँ उनकी एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आपके सामने जो है वो होगी, और उसमें ऑब्वियसली मेरी अपनी ओपिनियन भी मैं शामिल करूंगा। अगर कहीं कोई आपको नज़र आए कि कंटेक्स्ट से हटके है तो वो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें मेरी ओपिनियन है, मुझे समझने में या किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने में गलती हो सकती है। लेकिन बहरहाल एक कम्प्रीहेंसिव रिव्यू, एक कम्प्रीहेंसिव समरी जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। तो आज की जो बुक है ये बड़ी मशहूर किताब है, इसका नाम है दी प्रिंस। निकोलो मैकावली ने ये किताब लिखी और इसको मैं आपके सामने इसकी समरी या इसका रिव्यू पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किताब पढ़ना क्यों जरूरी है। If one is interested in having the accumulated wisdom of different generations, one should read the stories of great men and opinions of the great thinkers who tried to convey their experience and wisdom through the medium of books. Dekhiye, agar ye hamare paas books na hoti, internet, YouTube ya digar jo social media ke platforms hain ya recordings hain, इवन कैसेट बहुत बाद में आई, किताब बहुत पुराना मीडियम है, एक जनरेशन के नॉलेज को अगली जनरेशन तक मुंतकिल करने के लिए। आप सोचें, आप इमेजिन करें कि अगर ये किताब या ये प्रिंटिंग प्रेसेस या ये जो लिखने का रवाज ना होता तो एक जनरेशन जो है, हर नई जनरेशन अपना इलम का सफ़र जो है वो नए सिरे से शुरू करती और जो एक एकुमुलेशन है नॉलेज की वो ना हो पाती। इफ यू वांट टू हैव द नॉलेज ऑफ जनरेशंस, द बुक रीडिंग इज द की। सराउंड योरसेल्फ विद गुड बुक्स एंड यू विल हैव अ फोर्ट्रेस दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम आवर्स ऑफ लोनलीनेस। बुक रीडिंग हर दौर की जरूरत रही है। हम ये नहीं कह सकते कि आज इंटरनेट है, आज और मीडिया आ गए हैं तो हम किताब से दूरी जो है वो अब वो ठीक है। किताब पढ़ना जो है ये हर दौर में ये लाजम मलजूम है। एक इंसान को अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इंटेलेक्ट को ग्रो करने के लिए किताब का मोहताज रहना पड़ेगा। नो एंटरटेनमेंट इज सो चीप एज रीडिंग नार एनी प्लेयर सो लास्टिंग। सबसे ये एक प्लेयर है रीडिंग जो है, ये नॉलेज भी है, आपका एक्सपीरियंस भी है, आप दूसरों की लव से सीखते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव लेते हैं। एंड लेट व्हाट यू रीड एंड लर्न डेवलप योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी उससे बनती है। तो आज की जो बुक है इसका नाम है द प्रिंस। आई हैव सिलेक्टेड वन सच बुक फॉर यू विच ऑफर द वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन पावर पॉलिटिक्स एंड थ्रोन। ये एक मशहूर किताब है निकोलो मैकावली की, और इस किताब पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई, और आप भी जब इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स से हो सकता है आप अग्री ना करें, लेकिन बहरहाल ये एक पर्सपेक्टिव देती है और बहुत सारी बातों से आप अग्री करेंगे, बहुत सारी बातों से अग्री नहीं करेंगे। आपका एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये एक मेरा एक वीडियो होगी कि आप इस किताब को पढ़ें और जो इल्म या हिकमत के मोती इस किताब में है वो आपको भी मिले। निकोलो मैकावली जो है ये फ्लोरेंस इटली में 3 मई 1469 को पैदा हुए। ये इटालियन डिप्लोमेट थे, आथर थे, फिलासफर थे, हिस्टोरियन थे जो कि रिनेसेंस के दौर में जिंदा रहे। ही इज ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न पोलिटिकल फिलासफी। जदीद सियासी नजरिया
के सियासी फलसफे के ये जो हैं वो फादर कहे जाते हैं. He was of the view that deception, treachery, and crime were the tools to play politics. It is for this reason that the term Machiavellian is often used to denote cunning and unscrupulous attitude in politics. तो मैकियावेली ये था का ख्याल था या इसका ये व्यू पॉइंट था कि सियासत में सब कुछ जायज है, धोखा जब तक ये आपके पर्पस को सर्व करती है तो ये चीजें जो हैं ये चलती हैं, ये रूल्स ऑफ द गेम है. उसके जो बड़ा बड़ा जो मतलब मेजर वर्क्स हैं वो ये एक प्रिंस है और दूसरा है डिस्कोर्सेस ऑन लेवी, और ये 21 जून 1527 को 58 साल की उम्र में फौत हुए और इनको फ्लोरेंस में दफन किया गया. ज़्यादा जो इसकी मशहूर किताब है वो यही प्रिंस ही है. उसने ये किताब 1513 में लिखी और ये 1532 में पब्लिश हुई. ये जैसा कि मैंने बताया आपको कि कंट्रोवर्शियल वर्क है और बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने इस पर तनकीद भी की, और जब आप भी इसके कंटेक्स्ट को देखेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से आप अग्री ना करें. इस किताब के 26 चैप्टर्स हैं और ये वालिये में बहुत छोटी सी किताब है. आप इसको 15 से 20 दिनों में या इससे भी कम टाइम में पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इस किताब को कितना एक दिन में पढ़ते हैं. अच्छा, मैकियावेली जो है इस किताब के प्रीफेस में एक बात करता है जो कि मुझे अच्छी लगी और मैं वो कोट कर रहा हूँ. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक ए बेटर गिफ्ट दैन टू ऑफर यू दी अपॉर्चुनिटी of understanding in the shortest time all that I have learned in so many years and with so many troubles and dangers. Yani jo kuch maine bahut sare saalon mein aur apni zindagi ko khatrat mein dal ke seekha hai, mere paas isse behtar aur koi mauka nahi tha ki main isse behtar tohfa jo hai aapki khidmat mein pesh karun. Aur wo tamam experiences jo maine bahut mushkilon se aur bahut zyada time mein hasil kiye. तो बेसिकली उसने अपना जो नॉलेज था, अपना जो पर्सपेक्टिव था, जो कहता है कि मैंने कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स में, क्योंकि आप इसकी प्रोफाइल देखें तो ये डिप्लोमेट भी था, ये जो मैंने बात की ये डिप्लोमेट भी था, ऑथर भी था, फिलोसोफर भी था, हिस्टोरियन भी था, और इसने हुकूमतों को गवर्न होते हुए देखा, हुकूमतों को तब्दील होते हुए देखा. तो इसका जो व्यू पॉइंट है वो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये काफी मंझा हुआ डिप्लोमेट था. अच्छा, इसमें इस किताब के जैसा कि मैंने बताया 26 चैप्टर्स हैं. इस किताब के पहले चैप्टर जस्ट 1 पेज का ही है और इसमें ये बताता है कि डिफरेंट जो प्रिंसिपैलिटीज होती हैं वो कैसे डिफरेंट तरीकों से कंट्रोल की जाती हैं. प्रिंसिपैलिटी कहते हैं ऐसी रियासत को जिसका हुक्मरान जो है वो एक प्रिंस होता है, यानी एनी स्टेट आर जुरिस्डिक्शन दैट इज रूल्ड बाय ए प्रिंस, तो उसको प्रिंसिपैलिटी भी कह सकते हैं. इन सम केसेस प्रिंसेस गेट द हेरिडिटरी राइट टू रूल ओवर द प्रिंसिपैलिटीज, अदरवाइज दीज स्टेट्स हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय फोर्स और बाय एबिलिटी. वो ये कहता है कि बहुत सारे केसेस में जो शहजादे हैं, जो प्रिंसेस हैं, उनको विरासत में एक स्टेट मिलती है और अगर ऐसा है तो वो बहुत आसानी से उस पर रूल कर जाते हैं. अदरवाइज अगर विरासत में नहीं मिलती तो फिर इनको या तो बाय फोर्स कंट्रोल करना पड़ता है या फिर अपनी ताकत और अपनी हिम्मत और अपनी कॉम्पिटेंस से कंट्रोल करना पड़ता है. फिर वो ये कहता है कि जो विरासती प्रिंसिपैलिटीज हैं जो कि किसी शहजादे को, किसी प्रिंस को विरासत में मिलती हैं, उनको कंट्रोल करना आसान है क्योंकि ऐसी जो रास्ते हैं, ऐसी जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, वो आदी हो चुकी होती हैं एक प्रिंस के अंडर में रहने के लिए. यानी दे आर यूज टू लिव लिविंग अंडर गवर्निंग अथॉरिटी. फिर वो कहता है कि सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में ही और एक्सेसिव फोर्स के जरिए ही विरासती शहजादों को उनकी रास्तों से महरूम किया जा सकता है. अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो विरासती जिनको विरासत में स्टेट्स मिलती हैं उन शहजादों को उनके ऊपर कंट्रोल रखना आसान होता है. सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में उनसे वो रास्ते हथियाई जा सकती हैं. फिर वो ये कहता है कि अगर एक नया प्रिंस जो है वो किसी रियासत
में रूल करने के लिए आता है, उसको एक नया प्रिंस है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। यानी कि वो बात कर रहा है, अगर वो हेरिडिटरी नहीं है, अगर उसने बाय फोर्स ली है कोई स्टेट, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी सूरत में लोग उससे चाहते हैं कि वो डिलीवर करे, वो अपनी एबिलिटी से, अपने अपनी कॉम्पिटेंस से उसको साबित करना होता है। If a prince who is ruling one state with ease wants to annex another dominion, he can do it if he destroys the family of the prince of that dominion. और ये तारीख में होता आया है कि जब भी किसी प्रिंस ने, किसी किंग ने किसी दूसरी टेरिटरी के ऊपर साथ उसको अनेक्स किया है, तो उसने उसके जो क्लेमेंट थे उसके थ्रोन के, वो सबको मार दिया। तो ये भी होता आया है तारीख में। और जब आपके साथ जो मुल्हिका रियासत है जिसपे एक प्रिंस कब्जा करना चाह रहा है, अगर उसकी कानून, उसकी ज्योग्राफी, उसके कवानीन, उसके कस्टम्स, उसके लैंग्वेज सेम है, तो ऐसी सूरत में वो सिर्फ और सिर्फ उस इलाके की जो क्लेमेंट है थ्रोन के ऊपर, उनको अगर वो एलिमिनेट कर देता है, तो वो ऐसा आसानी के साथ उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि कानून, कवानीन, ज्योग्राफी, कस्टम्स, लैंग्वेज, कल्चर डिफरेंट है उस जगह का, तो इवन वो अगर एलिमिनेट भी कर दे उस जगह के क्लेमेंट्स टू द थ्रोन को, तो फिर उसको वहां पे उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ही शुड गो एंड रिजाइड इन द नेक्स्ट टेरिटरी, उसको उस जगह पे जाके रहना पड़ेगा, तब जाके उसे चीजें कंट्रोल हो सकेंगी वहां पे। क्योंकि जब इश्यूज बनते हैं, जब संभाल होते हैं, तो वो जब मौजूद होगा तो उनको रिजॉल्व कर पाएगा। फिर वो ये कहता है, फिर मुख्तलिफ चैप्टर्स में जो आथर है वो ही गिव्स एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स टू एक्सप्लेन द पॉइंट हाउ डिफरेंट स्टेट्स आर कंट्रोल्ड बाय देयर न्यू प्रोविंस बाय देयर न्यू प्रिंसेस। द स्टेट्स व्हिच आर कस्टमरली रूल्ड बाय प्रिंसेस कैन इजीली बी रूल्ड बाय अ न्यू प्रिंस बिकॉज़ सच स्टेट्स आर अकस्टम्ड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ सम गवर्निंग अथॉरिटी। जहां पे प्रिंसेस रूल करते आ रहे हैं ट्रेडिशनली, तो वहां पे रूल करना एक नए शहजादे के लिए आसान है, क्योंकि वो रियासतें जो हैं वो आधी हो चुकी होती हैं। फिर यहाँ पे वो ये बात करता है मुकाबली, कि एक प्रिंस जो है, ही मे किल ऑल द क्लेमेंट्स टू द थ्रोन इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज होल्ड ओवर हिज ज्यूरिसडिक्शन। तो ये मरने मराने का रवाज जो है, ये तो थ्रोन के लिए होता ही है। आपने गेम ऑफ थ्रोन देखी होगी, तो ये जो तख्त के लिए लड़ाई है, और तख्त के लिए आप मुगल जो हिस्ट्री है वो देख लें, मुगल एम्पायर का पूरा हिस्ट्री देख लें, तो भाई भाई का दुश्मन था, और एक बेटे ने अपने बाप को नज़रबंद कर दिया। तो बहुत ज्यादा इस तरह की मिसालें हमें मिलती हैं तारीख में। देयर इज नो मर्सी इन पावर पॉलिटिक्स। फिर वो ये कहता है कि इन सम प्रॉस्पेरिटीज पीपल आर द नोबल्स मेक समवन प्रिंस। नोबल्स क्या है? नोबल जो है वो उस दौर की ब्यूरोक्रेसी है जो के सारे मामलात चलाते हैं, या वजीर कह लें आप उनको। लोग ये नहीं चाहते कि उनको उनके ऊपर नोबल्स जो है वो जुल्म करें, और अगर नोबल जुल्म करते हैं बादशाह के हुक्म के ऊपर, तो ये एक बादशाह की या एक प्रिंस की नाअहली समझा जाता है। इसके लिए बेसिकली जो नोबल्स हैं, नोबल्स से अवाम खुश नहीं होते, क्योंकि नोबल्स जो हैं वो अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं। जहाँ पे नोबल स्ट्रांग हो, उसका मतलब ये है कि वहाँ का जो प्रिंस है वो वीक है, और यहाँ पे प्रिंस स्ट्रांग होता है वो नोबल्स से अथॉरिटी अपनी ले लेता है, और वो खुद अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, और नोबल्स के इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज करता है। तो बेसिकली प्रिंस का जो ऑफिस है, ये क्रिएट इसलिए किया जाता है कि लोग जो है उनको नोबल्स का जो ऑपरेशन है वो बर्दाश्त ना करना पड़े। जनरली जो प्रिंस हैं जो कि ज्यादा जस्ट हैं, काइंड हैं, ज्यादा मैं तो ये भी कहूँगा कि जो कॉम्पिटेंट हैं, अगर वो हैं तो वो नोबल का इन्फ्लुएंस कम कर देते हैं। एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी, ये बड़ी अहम बात करता है और बड़ी विजडम वाली बात है ये वाली,
कि किसी रियासत का जो डिफेंस है और उसका जो डिफेंस की स्ट्रेंथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि लोग वहां पे कितने खुश हैं अपने प्रिंस के साथ। अगर लोग जो हैं, अगर सब्जेक्ट अपने प्रिंस के साथ खुश हैं और उससे लायल हैं, तो ऐसी रियासत के ऊपर एक्सटर्नल हमला जो है वो नहीं हो सकता और इंटरनली भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका डिफेंस मजबूत होगा। क्योंकि जनरल वेलबींग, अगर एक प्रिंस जो है वो ऐसे इकदाम वेलफेयर के करता है, लोगों को खुश करता है, लोग सेटिस्फाइड हैं, कंटेंटेड हैं, तो ऐसी प्रिंसिपैलिटी के ऊपर उसका होल्ड जो है ज्यादा मजबूत होगा और उसको खतरात कम से कम होंगे। फिर वो ये करता है, ये कुछ उसकी नसीहतें हैं प्रिंस के लिए निकोलो मेकावली की, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका होल्ड आपकी रियासत पे मजबूत हो, तो फिर आपको यू शुड बी एक्सपर्ट इन दी इन वन आर्ट आर डिसिप्लिन, एंड दैट इज द आर्ट ऑफ वार। फिर जो उस आर्ट ऑफ वार है उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, वरना आपका होल्ड नहीं रहेगा। एक किंग या एक प्रिंस के लिए मुमकिन नहीं है कि वो जंग से नफरत करे, या वो जंग से कतराए, या वो जैसा कि आप देखते हैं कि जिस दौर में तलवार हथियार हुआ करती थी, तो उस दौर के जो प्रिंसेस हैं या किंग्स हैं, दे आर एक्सपर्ट इन दी आर्ट ऑफ स्वॉर्ड, वो तलवार चलाने के माहिर थे। तो रूल करने के लिए जो आर्ट ऑफ वार है, स्ट्रेटेजी है, वो बहुत जरूरी है। उसके अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए एक किंग को या एक प्रिंस को। इफ एनी प्रिंस कॉम्प्रोमाइजेज हिज फोकस एट द आल्टर ऑफ कंफर्ट एंड ईज, ही इज डिस्टाइंड टू लूज हिज कंट्रोल ओवर द स्टेट। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल जो है वो इसने तो अलबत्ता नहीं दी, लेकिन जो मंगोल थे वो बहुत ज्यादा टफ लाइफ गुजारते थे, वो महलात में नहीं रहे और वो एक्सपर्ट हो गए थे इसके, और उनको बहुत बड़ी ताकत बन के वो उभरे, बहुत ज्यादा फतुहात की। तो ये एक रियलिटी है कि एक प्रिंस को अपना जो फोकस है वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए एट द आल्टर ऑफ कंफर्ट। जब एक प्रिंस या एक किंग जो है वो अय्याशी में पड़ जाता है और वो जंग से और अपनी ट्रेनिंग से और अपनी आर्मी को मेंटेन नहीं करता और जंग से घबराता है, तो समझ रहे हैं कि उसकी जो कंट्रोल है वो कमजोर है और वो ही इज अबाउट टू लूज हिज स्टेट। फिर वो ये कहता है कि इवन ड्यूरिंग पीस भी ही शुड नॉट लूज हिज फोकस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वार। ही शुड ऑल्सो डू प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज आर ट्रेनिंग एंड स्टडी दी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स एज वेल। फिर वो ये कहता है कि एक प्रिंस को अपने इलाके की जियोग्राफी, उसके अंदर कहाँ कहाँ मार्शेज हैं, कहाँ कहाँ रिवर्स हैं, कहाँ कहाँ माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जंग होगी तो उसे पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सा उसका जो जियोग्राफिकल टीरेन है या टोपोग्राफी है वो इलाके की क्या है, ताकि उसको वो अपने फायदे के लिए, अपने डिफेंस के लिए या हमला करने के लिए यूज कर सके। आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता दूं कि ये जो तालिबान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था 2009-11 के बाद, तो उस वक्त तालिबान जो थे वो अमेरिकन इन्वेजन के बाद थोड़ा बड़ा की पहाड़ियों में जाके छुप गए थे, और इन पहाड़ियों में ऐसे गार बने हुए थे जहाँ पे वो जाके छुपे। ये वो ही गार थे जो कि अमेरिका ने इनको बना के दिए थे टू फाफाद दी गुरिला वारफेयर अगेंस्ट दी रशियन फेडरेशन, अगेंस्ट दी सोवियत यूनियन। तो जो उन्होंने उनको पनागाहें तैयार करके दी थी गारों की शक्ल में, बम प्रूफ गारें थी। इसी वजह से थोड़ा बड़ा पे जो अमेरिकन प्लेन्स ने बमबारी की, वो वहां से फिर भी उसामा और मुला उमर जो है वो बच के निकल गए थे। तो ये एक वैसे मैंने बात कर दी। द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट फॉर ए प्रिंस शुड रीड हिस्ट्रीज टू नो द स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन इन ऑर्डर टू ग्रो हिज ओन इंटेलेक्ट। फिर इट इज ग्रेट टू बी कंसिडर्ड एज मर्सीफुल, बट मर्सी शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डिसऑर्डर एंड कैओस इन वंस प्रिंसिपैलिटी। अक्सर आपने मूवीज में या
डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि प्रिंस जो है वो बहुत सारी चीजों में माफी नहीं है, असलन गद्दारी की सूरत में कोई माफी नहीं देता कोई भी प्रिंस, और जो ट्रीजन है जो रिवोल्ट है उसकी माफी नहीं है, यानी ऐसी चीजों की माफी नहीं है कि जो माफी जो है वो उन डिसऑर्डर का या क्याओस का सबब बने, और उसको दबाना बजोरे शमशीर या बजोरे ताकत जायज समझा जाता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ऐसी बगावतों को ताकत से कुचल दो, और ये ताकत जो है वो कहते हैं कि ये आवाम को मुतहद करती है, और अगर ऐसा हो तो फिर ताकत का इस्तेमाल सही है। अच्छा, चैप्टर नंबर 17 में जो आथर है निकोलो मेकावली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज करता है, वो ये कहता है कि क्या एक प्रिंस को ख्वाहिश करनी चाहिए कि लोग उससे प्यार करें या उससे खौफ खाएं। तो वो कहता है कि उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसके साथ लोग प्यार भी करें, और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं जो उसके लोग हैं रियाया है वो उससे खौफ भी खाएं, लेकिन अगर दोनों में से एक चीज का इंतखाब करना हो तो खौफ ज्यादा बड़ी ताकत रखता है एज कम्पेयर टू लव, खौफ मोहब्बत से बड़ी ताकत है, वो इस किताब में ये पॉइंट देता है। और ये कहता है कि एक प्रिंस को जब अपनी रियाया में खौफ डालना चाहिए तो उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो उनका दिल भी जीते, खौफ जो है वो मोहब्बत के साथ होना चाहिए, और इस प्रोसेस में उसको कभी भी अपनी रियाया की नफरत अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, उसको अपनी रियाया की नफरत नहीं हासिल करनी चाहिए, बल्कि वो अगर इस काबिल नहीं है कि वो मोहब्बत हासिल करे तो नफरत से अवॉइड करे, क्योंकि नफरत की सूरत में उसका जो इकतदार है वो खतरे में पड़ सकता है। द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन इज दैट ही शुड अवॉइड हैट्रेड। फिर वो ये कहता है कि ये अच्छी बात है कि एक जो प्रिंस है वो अपने वादे निभाए, जो बात कहे वो पूरा करे, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है, बहुत सारी सूरतों में मुश्किल होता है उसके लिए कि वो अपनी तमाम बातें पूरी करे, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहा होता, अपनी रियाया के साथ भी और किसी फॉरन पावर के साथ भी, तो अगर कन्वीनियंस हो और उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो तो वो अपने वादा वफा ना भी करे तो इट्स ओके, लेकिन वो अपने इंटेलेक्ट से जो है अब क्राफ्ट के जरिए अपने इंटेलेक्ट से लोगों को मुतमिन कर दे कि वो वादा अगर पूरा नहीं कर पाया तो उसका कोई ना कोई एक्सक्यूज उसके पास होना चाहिए। फिर वो एक इटालियन प्रवर्ब कोट करता है कि अलेक्जेंडर नेवर डिड व्हाट ही सेड एंड सीजर नेवर सेड व्हाट ही डिड, बेसिकली उसी कंटेक्स्ट में बात करता है कि प्रिंस के लिए ये बहुत बहुत नॉर्मल है कि वो अपनी हर बात पूरी ना करे, अगर उसके लिए मुमकिन ना हो तो वो अपनी बात उसके लिए पूरी करना लाजमी नहीं है। इट मे बी अननेसेसरी फॉर ए प्रिंस टू हैव ऑल द गुड क्वालिटीज, रेदर ही शुड अपियर टू हैव ऑल दीज क्वालिटीज। ये ऐसा बहुत मुश्किल है कि एक प्रिंस जो है उसके पास तमाम अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी वो रहम दिल भी हो, इंसाफ पसंद भी हो, बहादुर भी हो, उसके अंदर कोई खामी ना हो, तो खामियां होती हैं, लेकिन उसकी खामियां पब्लिकली पता नहीं होनी चाहिए, और पब्लिक उसका जो इमेज है वो अच्छा होना चाहिए, उसको अगर वो बहादुर नहीं है तो उसको बहादुर दिखना चाहिए, अगर वो मर्सीफुल नहीं है तो उसको मर्सीफुल नजर आना चाहिए। ही शुड अपियर टू हैव ऑल दीज क्वालिटीज, याद रखिएगा क्वालिटीज का रखना और चीज है, क्वालिटीज का शो करना और चीज है, तो ये कहता है कि ये सारी ऑप्टिक्स हैं और उसके लिए ऑप्टिक्स ज्यादा जरूरी हैं। एवरी वन सीज वट यू अपियर टू बी, फ्यू रियली नो वट यू आर एंड दोज फ्यू कैंट गो अगेंस्ट द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। एक बहुत बड़ी वो विजडम की बात ये करता है कि ये आप जो कुछ दिखने की कोशिश करते हैं वो हर बंदा देखता है कि आप ऐसे हैं जैसा कि आप उनको दिखाना चाह रहे हैं, बहुत रेयर ऐसे कोई लोग होते हैं जो कि आपकी असलियत से वाकिफ होते हैं, जो आपके बारे में खुफिया मालूमात भी रखते हैं कि आप बज़ाहिर तो बड़े पारसा इंसान हैं लेकिन
आपकी ये भी खामियां हैं, ये भी खामियां हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक काम की बात ये करता है कि वो जो माइनॉरिटी है, जो कम लोग जो आपको इसलिए जानते हैं, वो हिम्मत नहीं करते कि वो मेजोरिटी की ओपिनियन के खिलाफ जाए। वो जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग, यानी 100 में से अगर 99% लोग जो हैं वो ये ख्याल करते हैं कि एक प्रिंस जो है वो अच्छा है, इंसाफ पसंद है, और 1% लोगों को पता है, या उससे भी कम लोगों को, कि ये प्रिंस अच्छा नहीं है और इसकी असलियत कुछ और है, तो 1% लोगों की जो राय है वो मैटर नहीं करती। वो इतने जरूरतमंद नहीं होते कि वो मेजोरिटी की ओपिनियन के खिलाफ जाए। अच्छा, फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो एक बात करता है कि एक शेर जो है वो अपने आप को भेड़ियों से बचा सकता है, लेकिन वो रींगने वाले जो नीचे मतलब स्नेक्स हैं, बिच्छू हैं, उनसे अपने आप को नहीं बचा सकता। इसी तरह एक जो लोमड़ी है, फॉक्स है, वो जो सांपों से तो अपने आप को बचा सकती है, लेकिन भेड़ियों से अपने आप को नहीं बचा पाती। तो ये जरूरी है कि एक प्रिंस जो है वो एक एक शेर की तरह भी हो और एक फॉक्स भी हो। यानी यहाँ पे वो बड़ी खूबसूरत बात ये कर जाता है कि एक एक बंदे का बहादुर होना काफी नहीं है, उसका किसी हद तक क्लेवर होना भी बहुत जरूरी है, उसका वाइज होना बहुत जरूरी है, उसका मामला फहम होना बहुत जरूरी है। तो ये बड़ी खूबसूरत मिसाल उसने यहाँ पे दी है कि आप हर बात का सलूशन एक पैटर्न में नहीं हो सकते, आप बहादुरी के जरिए तमाम चीजों, तमाम मसलों का हल तलाश नहीं कर सकते, आपको उसके लिए मतलब उसके लिए फहम फरासत भी चाहिए, आपको उसके लिए दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर वो ये बात करता है कि एक प्रिंस की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ही शुड एंडेवर टू शो ग्रेटनेस, करेज, ग्रेविटी एंड फॉर्टिट्यूड इन हिज एक्शंस। इतना उसका खौफ होना चाहिए कि कोई भी उसके खिलाफ साजिश न कर सके। ये एक प्रिंस के लिए जरूरी है कि लोग उसे नफरत ना करें, और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उसके रियाया है, वो उसे मुतमिन हो, तब उसका कंट्रोल अपनी स्टेट के ऊपर मजबूत होगा। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि एक प्रिंस को ये बहुत जरूरी है कि उसके जो सेक्रेटरीज हैं, उसके जो नोबल्स हैं, उसके जो एडवाइजर्स हैं, दे शुड बी वाइज, दे शुड बी कैपेबल, दे शुड बी लॉयल, क्योंकि इसी तरीके से ही उसका जज किया जाएगा कि वो कैपेबल है या वाइज है। अगर एक प्रिंस के साथ उसकी जो कैबिनेट है, उसके जो एडवाइजर्स हैं, उसके जो सेक्रेटरीज हैं, अगर वो अकलमंद हैं, तो दुनिया उसको जज करेगी कि ये बंदा वाइज है। और एक चैप्टर में वो ये भी करता है कि किस तरीके से आपने खुशामदियों से बचना है। ये भी अगर आप कोई भी हिस्ट्री उठा लें, ब्रिटिश हिस्ट्री देख लें, यूएस हिस्ट्री, या इवन जो इंडो पाक हिस्ट्री है, वो तो इस तरह की बहुत सारी मिसालों के साथ भरी पड़ी है कि जो अच्छे हुक्मरान आए, उनके जो सेक्रेटरीज थे वो अच्छे थे। He should have wise men in his court and listen to their views. और हाँ, उसमें ये एक और इंटरेस्टिंग बात करता है कि हर किसी के व्यूज सुनने की जरूरत नहीं है। ये भी एक प्रिंस की एक अकल और फहम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मखसूस लोगों के व्यूज को ही सुनना चाहिए। इट इज द विजडम ऑफ द प्रिंस दैट हेल्प्स हिम इन सिलेक्टिंग सिंसियर एंड वाइज काउंसल। अच्छा, ये बातें वो तमाम की तमाम जो बातें ये इस किताब में की गई हैं, वो एक अच्छे ऑफिसर के लिए भी जरूरी हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का हेड है, किसी भी ब्रांच का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, उसके लिए भी बड़े फायदेमंद हैं इस चीजें। समटाइम्स ए प्रिंस नीड्स टू बी कॉशियस एंड समटाइम्स एडवेंचरस टू बी सक्सेसफुल। कामयाबी के लिए कभी कभी आपको कॉशियस होना पड़ेगा और कभी कभी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कभी कभी एडवेंचर आपके काम आ जाएगा। यानी हर टाइम एक स्ट्रेटेजी के साथ आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते,
ये अब आपने अपने अकल से पता करना है कि कब आपको मुहतात रहना है और कब आपने रिस्क लेना है. इट शुड बी वाइज इनफ टू चेंज योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. इस किताब का एनालिसिस ये है कि ओवरऑल ये एक किताब ऐसी किताब है जो कि आप हो सकता है इसमें, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बहुत सारी चीज़ों को आप पसंद ना करें और बहुत सारी चीज़ों को आप पसंद करें, या आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहरहाल ये किताब एक पर्सपेक्टिव देती है और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने में भी आपको हेल्पफुल है कि सियासत में, आलमी सियासत में क्या हो रहा है और इंसानी तारीख में क्या होता आया है. ये उन वाक्यात के ऊपर मबनी है जैसा कि वो ज़हूर पदीर हुए. ये हम अब आइडियलिज्म में अगर जाएं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ये ठीक था या गलत था, वो इस तरह की डिस्कशन में ये नहीं पड़ती. ये किताब उन वाक्यात को उसी तरह आपके सामने लेके आती है जैसे कि वो वाक्यात पेश आए. और ऑन मैनी ओकेजन्स आपको ऐसा लगता है किताब पढ़ते हुए कि जो कुछ आजकल हमारे आंखों के सामने हो रहा है, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नज़र आएगी. वाकई ये इस किताब का बहुत सारा कंटेंट जो है वो हकीकत है. और फिर ये किताब जो है एक और बड़ा खूबसूरत बात करती है. ये कहती है कि स्टेट को अपने डिफेंस के लिए मर्सनरीज के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि आप किराए के लोग हायर करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं. डिसिप्लिन आर्मी इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि डिसिप्लिन आर्मी जो है वो लॉयल होती है और वो क्या होती है, डिसिप्लिन होती है. और इसके बरक्स जो मर्सनरीज हैं वो किराए के कातिल जो हैं या किराए के लोग जो हैं वो उनको हायर करने की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि वो क्या पता कब आपके खिलाफ हो जाए, क्या पता कब वो अपनी तलवारें आपके खिलाफ निकाल लें. और एक और बड़ी अहम बात ये करता है कि जो किराए के लोग होते हैं वो दुश्मनों के खिलाफ जंगें नहीं करते. वो अगर एक पावरफुल आर्मी आ जाए उनके खिलाफ, अगर एक ताकतवर दुश्मन आ जाए, तो वो तो अपने जान बचा के भाग जाएंगे. मर्सनरीज जो है वो मौके की तलाश में होते हैं, वो या तो पैसे के लिए काम करते हैं या उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं. वो जब भी एक पावरफुल एनिमी देखेंगे वो तो भाग जाएंगे, उन्होंने आपके साथ ही खड़े होना है. तो ओनली डिसिप्लिन आर्मी कैन स्टैंड अगेंस्ट ए पावरफुल एनिमी. तो नॉन स्टेट एक्टर्स का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली ये सारे के सारे वो हैं जो कि इनफॉर्मल अरेंजमेंट को स्टेट्स करती हैं. दे आर नॉट, जो मर्सनरीज हैं जो कि डिसिप्लिन नहीं होते, किसी डिसिप्लिन में नहीं है, उनको हायर करना डेंजरस है. ये बात मैं पहले कर चुका हूँ. ये किताब एक नया पर्सपेक्टिव देती है पावर पॉलिटिक्स का, और इट कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द गेम ऑफ पॉलिटिक्स इज प्लेड अक्रॉस द ग्लोब. थैंक यू ऑल. होपफुली आपको ये बड़ा पसंद आया होगा, और वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, दैट विल बी कमिंग सून. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.